नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूँ आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भारत में मस्जिद और मंदिरों के बीच धार्मिक विवादों का इतिहास बहुत पुराना है। इनमें से कुछ विवाद अदालतों में विचाराधीन है और कई स्थानों पर दोनों पक्षों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हाल ही में संभल स्थित जामा मस्जिद में हुए सर्वे के बाद हुई हिंसा ने इस मुद्दे को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इससे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद ने देश भर में धर्म निरपेक्षता को चुनौती दी थी। हालांकि अदालत ने अयोध्या विवाद का हल कर दिया है, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों में इसी प्रकार के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद विवाद। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान चार लोगों की जान चली गई, जिससे मस्जिद मंदिर विवाद की गर्मी फिर से महसूस की जा रही है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यहां पहले एक मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे एक मस्जिद होने का आरोप लगाया। शाही जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली का कहना है कि जामा मस्जिद 1529 में बाबर द्वारा बनवाई गई थी और यहां कभी कोई मंदिर नहीं था। वे इसे मात्र एक अफवाह मानते हैं और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच एक बड़ा विवाद है। 1670 में औरंगजेब के आदेश पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग कर रहा है। आगरा में ताजमहल और मंदिर विवाद। आगरा के ताजमहल को लेकर भी विवाद उठ चुका है। कुछ हिंदू संगठन दावा करते हैं कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था, जिसे मुगल साम्राज्य ने तोड़कर एक मकबरे के रूप में बदल दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे शाहजहां का मकबरा मानता है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं देता। जौनपुर में अटाला मस्जिद और अटाला देवी मंदिर विवाद। जौनपुर में अटाला मस्जिद और अटाला देवी मंदिर का भी विवाद है। कहा जाता है कि अटाला मस्जिद को एक देवी मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। हिंदू पक्ष इसे एक मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे एक मस्जिद ही मानता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।